खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां जनपद के डुमरियागंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए मोदी योगी सेवा रसोई की शुरुआत आज डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा में शुरू की गई। डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जन सहयोग से योगी मोदी सेवा रसोई की विधिवत शुरुआत की। कोविड नियमों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन कोविड मरीजों व उनके तीमारदारों को मोदी योगी रसोई में प्रतिदिन निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं आज इसके शुभारंभ अवसर पर स्वयं विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भोजन को चखा व मरीजों और उनके तीमारदारों में वितरित करते हुए ऐसी व्यवस्था रोज करने के लिए मोदी योगी रसोई के कर्मियों को निर्देश दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त 50 बेड का शुभारंभ 3 दिन पहले किया गया है और आपसी बातचीत से तय किया गया कि जो भी मरीज आएंगे उनके परिजनों को जन सहयोग से सुबह के जलपान से लेकर रात तक भोजन दूध मरीजों को भी और परिजनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा और अपने बजरंगी चौक बेवा से और अगल बगल के क्षेत्रों के बहुत सारे लोग यहाँ सेवा में भी लगे हुए हैं। मैं भी प्रतिदिन एक बार दिन भर में यहाँ आकर के दूर से ही मरीजों का हालचाल लेने की का प्रयास और यहाँ की व्यवस्था देखने का प्रयास करता हूँ। सेवा करने का अवसर कम मिलता है लोगों को और कोई भी मरीज कितना भी बीमार हो उसको अगर सेवा भाव लगे कि हमारा सेवा सत्कार और सम्मान हो रहा तो उसकी बीमारी आधी वैसे ही कम हो जा रही है। यहाँ 2-4 लोग आना शुरू किए हैं और ठीक होकर के भी जा रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि यहाँ से लोग ठीक होकर के जाएं, यहाँ आने पर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।